आज मैं एक ऐसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी और देखने में भी बहुत खूबसूरत है। अभी मैं साफ कर रही हूँ पोर्क के और लिवर वगैरह जो अंदर की पार्ट होता है, वही मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो इसे कम से कम तीन से चार बार इसे वॉश कर लेना है ताकि खून जो पोर्क की खून जो रहता है वो सब निकल जाए, और अच्छे से साफ़ करके रेडी करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ लिया है अदरक, रेड चिल्ली और थोड़ा सा नमक, इसे कूट के रेडी करेंगे। अभी हम मसाला तो रेडी करेंगे, इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला डाल रहे हैं और नमक भी। इसे थोड़ा सा पानी देके मिला देना है ताकि पकते समय जले ना मसाला। तो देख सकते हो इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। अभी हम कढ़ाई को गर्म करके ऑयल डाल रही हूँ। अभी मैं ज़ीरा डालना भूल गया था तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ इसमें हमने डाला है प्याज। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक पकने देना है। इसके बाद यहाँ ऐड करेंगे हमारा जिंजर और रेड चिल्ली जो हमने कूट के रखा था, इसे अभी हम डाल रहे हैं। इसके बाद हमारा मसाला, इसे अच्छी तरह से चलाते रहना है। अभी पोर्क को नहीं डालना है, मसाला को अच्छी तरह से पकने देना है। तो देख सकते हो हमारा मसाला भी काफ़ी पक चुका है। अभी हम ऐड करेंगे हमारा पोर्क। तो देख सकते हो हमने ऐड कर लिया है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिला के थोड़ा सा ढक्कन देके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर ढक्कन खोलने के बाद और ढक्कन नहीं देना है ताकि पोर्क की जो खुशबू होती है बाहर निकालने बहुत ज़रूरी है। तो अभी ढक्कन नहीं देना है, ऐसे ही चलाते रहना है ताकि नीचे जो है जल ना जाए। तो देख सकते हो हमारा पोर्क की रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है। तो बन के रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।